हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ मिंत्रा कंपनी के बारे में। जी दोस्तों, मिंत्रा कंपनी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, आजकल टीवी में भी बहुत ऐड आती है। और आप लोगों को बता दो, मिंत्रा जाना जाता है अपने फैशनेबल प्रोडक्ट के बारे में, और मिंत्रा का अलग ही कस्टमर बेस बन चुका है। और यदि आप लोग इसमें काम करते तो आप लोगों को हमेशा एक अच्छा सा ऑर्डर देखने को मिलता है, मतलब हमेशा मिलता रहेगा अच्छा ऑर्डर। बाकी सारी कंपनियों में ऐसे नहीं होती, उतना ऑर्डर कभी कभार नहीं होती, बट इसमें हमेशा आप लोगों को ऑर्डर ठीक ठाक मिलता रहेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, यदि आप लोग मिंत्रा में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन करें, मतलब कहाँ पे आके इंटरव्यू दें, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है, बाइक में अगर ज्वाइनिंग करेंगे तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा, लर्नर लाइसेंस से ज्वाइनिंग होती है कि नहीं वो भी बताऊंगा, साइकिल से अगर काम करना चाहते हैं तो साइकिल में क्या रेट कार्ड है, कितना अर्निंग कर पाएंगे, बाइक में अगर काम करते तो बाइक में मैक्सिमम अर्निंग कहाँ तक कर पाएंगे, फिक्स सैलरी है या पर ऑर्डर बेसिस पे आप लोगों को पेमेंट दिया जाता है, तो पेमेंट का स्ट्रक्चर भी कैसा है वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि पेमेंट कब कब मिलती है यहाँ पे, अगर यदि आप लोग काम करते हैं इंसेंटिव क्या है, टारगेट बेनिफिट क्या है, कंपनी तरफ से मिलती है नहीं मिलती, मतलब ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में एक डिलीवरी बॉय का इंटरव्यू लिया हूँ, जैसे कि हर एक वीडियो में मैं लेता हूँ और डायरेक्ट उन्हीं से इन सारे सवालों का जवाब मैं पूछता हूँ, ताकि आप लोगों तक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ताकि आप लोगों को ना लगे कि मैं कहीं से देख के या गूगल में सर्च करके आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं मेरा वीडियो बनाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखिए दोस्तों। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ अभी मौजूद है मिंत्रा के एक डिलीवरी बॉय, तो उनसे भी जानेंगे कि सभी सवालों के जवाब एक एक करके। तो बेसिकली सबसे पहले पूछ लेते भाई, मिंत्रा में अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो कैसे ज्वाइन करेगा? देखिए, ज्वाइन करने का बाद जो है, मेरा एक भैया था इसी लाइन पे काम करता था, तो उनको मैंने बोला था काम का काफी जरूरत था लॉकडाउन से पहले, तो उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया था, तो वो नंबर पे मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला हाँ अभी वैकेंसी खाली है, आप आ जाइए इस एड्रेस पे, तो एक एड्रेस दिया था मेरे को, उसी एड्रेस पे मैंने गया था, तो वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड। अच्छा, अगर मान ले आपका तो जैसे बोला कि आपका जान पहचान था, अगर किसी को मतलब कोई किसी का जान पहचान नहीं है तो वो कैसे ज्वाइन कर पाएगा? अब जान पहचान नहीं है, वो डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी बॉय के पास जाने से वो लोग बोल देता है, जो काम डायरेक्ट डिलीवरी बॉय से कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर वहां से मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, बेसिकली इसमें ज्वाइनिंग करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है? ज्वाइनिंग करने के लिए तो पहले तो लाइसेंस चाहिए, ठीक है, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, ये सब चाहिए ज्वाइनिंग करने के लिए। अच्छा, गाड़ी का सब पेपर्स। अच्छा, गाड़ी का पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और बहुत कोई पूछता है कि लर्नर लाइसेंस से भी ज्वाइनिंग हो पाता है इसमें? लर्नर से, देखिए लर्नर हम लोग का कंपनी में लर्नर से नहीं होता है। अच्छा, लाइसेंस मार्क्स लगता है। अच्छा, क्योंकि लाइसेंस का फोटो अपडेट देना पड़ता है, उसके बाद अप्लाई होगा काम के लिए, जी आप काम कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, और एक क्वेश्चन है कि इसमें बहुत कोई पूछता है कि साइकिल से भी बहुत कोई ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत लोगों के पास बाइक नहीं रहता है, तो साइकिल से भी इसमें होती है काम? साइकिल से होता है, किंतु साइकिल काफी कम लेता है, मतलब साइकिल से ज्वाइनिंग होता है उसका पेमेंट अलग मिलता है ना? अच्छा, अलग। तो बेसिकली इसमें मतलब कितना किलोमीटर तक रेगुलर बाइक चलाना पड़ता है, मतलब कितना दूर डिलीवर मिलता है? जिसका जो जोन है कम से कम 30 किलोमीटर तक धर लीजिए, क्योंकि एक सेगमेंट नहीं होता है, दो तीन सेगमेंट होता है, तो पूरा राउंड फिगर 30-40 किलोमीटर चल जाता है रेगुलर, आपको मैक्सिमम 40 किलोमीटर तक चलाना पड़ता है। ओके, अच्छा आपको रेगुलर कितना ऑर्डर मिलता है डेली? रेगुलर देखिए, पर डे हिसाब से पकड़िएगा तो कभी 30-40, अच्छा, या कभी कभी 50 भी हो जाता है, तो एवरेज में 40-45 मिल जाता है रेगुलर, इतना ऑर्डर मिल जाता है। तो आपने जैसे कहा शिफ्टिंग के बारे में, तो वही मैं पूछ ले, तो इसमें तो शिफ्टिंग कैसे है? आपने जैसे कहा कि शिफ्टिंग, देखिए हम लोग ड्यूटी आवर से 9 बजे हम लोग को एंट्री करना पड़ता है ऑफिस में, 10 बजे तक निकल जाते हैं हम लोग,
OFD जो जितना पार्सल होता है वो लेके हम लोग 10 बजे तक निकल जाते हैं। उसके बाद वो कंप्लीट करते 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 1-2 बज जाता है, फिर हम लोग आते हैं, तब सेकंड लोड डूबता है। अच्छा। उसके बाद फिर सेकंड लोड लेके फिर हम लोग निकलते हैं, उसके बाद फिर थर्ड लोड होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो 4-5 बजे तक काम हम लोग का खत्म हो जाता है। सेकंड लोड खत्म करके 4-5 बजे तक रहता है, अगर फिर ऑर्डर हुआ था थर्ड लोड पे, तो अगर फिर मिल गया तो फिर कब तक काम करना? 7-8 बजे तक। 7-8 बजे तक कम से कम धर लीजिए 10-11 घंटे का ड्यूटी है। 10-11 घंटे ड्यूटी। अच्छा, तो बेसिकली आपको इसमें पेमेंट कैसे मिलता है, मतलब पर ऑर्डर मिलता है कि फिक्स सैलरी मिलता है? हम लोग का पर ऑर्डर का है। पर ऑर्डर मिलता है। अच्छा, थोड़ा सा लाउड बोलो। एक हम लोग का पर ऑर्डर के लिए पैसा मिलता है। एक ऑर्डर के लिए 14 रुपया करके देता है, इंसेंटिव लगा के तो 16-17 रुपया हो जाता है। तो सबका सेम रहता है कि ना सबका थोड़ा बहुत अलग अलग? नया नया है, उसका थोड़ा रेट कम है। अच्छा। हम लोग थोड़ा पुराना है तो हम लोग का रेट थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, ना 14-15 रुपया पर ऑर्डर का मिलता है। और कुछ पेट्रोल का भी खर्चा मिलता है अलग से? हम लोग का खुद का ही रहता है। अच्छा, आपको पर जैसे कहा ना, कहा आपने 40-50 ऑर्डर मिलता है रेगुलर, तो इसके अलावा ही कुछ अलग इंसेंटिव मिलता है पर ऑर्डर पे? देखिए, इतना ऑर्डर डिलीवर करने का कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा? इंसेंटिव मिलता है, 2-3 रुपया करके एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा, 2-3 रुपया मतलब 14 रुपया रेट रहेगा तो 2-3 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा, तो अलग कुछ एक्स्ट्रा मिलता है कि इतना ऑर्डर एक महीने में अगर कंप्लीट करेंगे तो कुछ अलग से इंसेंटिव अमाउंट पैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, जो महीना में जितना ऑर्डर होगा उस हिसाब से हम लोग को इंसेंटिव मिलता है। अच्छा अच्छा, इसमें पार्ट टाइम भी अवेलेबल है क्या? मतलब फुल टाइम तो जैसे आपने कहा कि 9-10-11 घंटा भी काम करना पड़ता है, तो पार्ट टाइम भी काम करना पड़ेगा इसमें? पार्ट टाइम अवेलेबल नहीं है ना? पार्ट टाइम नहीं है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो बेसिकली आपको मतलब मंथली इसमें अगर कोई ज्वाइन करता है तो कितना अर्निंग कर लेगा, मतलब पेमेंट कैसे मिलता है? जैसे कि आपने कहा कि 10 दिन बाद 10 दिन बाद, तो मतलब 1 से लेकर 10 तारीख तक काम करेगा उसका कब पेमेंट मिलता है? 1 से 10 तारीख को काम करिएगा तो 17 तारीख को पेमेंट मिलेगा। और 11 से 20 तारीख तक काम करिएगा तो 27 तारीख को मिलेगा। और 21 से 30 या 31 का महीना पड़ेगा तो वो 7 तारीख को मिलता है। मतलब 10 दिन अंतर मिलता है। 7 महीने में 3 बार पेमेंट मिल जाता है 10 दिन बाद। ओके, तो काफी अच्छी बात है भाई। तो बेसिकली अगर इसमें आपको 10 दिन में कितना अर्निंग हो जाता है, या फिर महीने में बोलो तो कितना होता है? फिर भी जैसे एक दिन में जो 30 ऑर्डर, मैं एवरेज जैसे 40 बोला हूँ, तो 10 दिन में 400 हो जा रहा है। अब 400 × यदि आप पकड़िएगा 14 रुपया करके रेट होगा, तो उस हिसाब से मेरे को कम से कम, अच्छा 15 करके पकड़िएगा 15-14। हाँ, अच्छा, तो 15-14-60 मतलब 6,000 के आसपास 10 दिन में। अब 3-1 महीना में 18,000 हो जाता है। उसमें खुद का ही पेट्रोल लगता है ना, तो पेट्रोल में जैसे आपने कहा 40-50, तो 1 लीटर पेट्रोल में हो जाता है 100 रुपया पकड़ ली, तो महीने का 3,000 पेट्रोल यहाँ से निकाल सकते हैं इजिली। तो अदर्स कुछ बेनिफिट आप लोगों को मिलता है कंपनी की तरफ से? कंपनी की तरफ से बेनिफिट मतलब वही सीसेट वगैरह जो कस्टमर देता है उसके लिए अलग से 1 रुपया करके एक्स्ट्रा देता है। ना क्या रेटिंग वगैरह था? रेटिंग वगैरह के लिए फीडबैक करके, फीडबैक के लिए 1-1 रुपया करके एक्स्ट्रा देता है। अच्छा, और कुछ अलग मतलब कंपनी तरफ से? जैसे आप लोग डिलीवर करते रास्ते में तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है, तो कंपनी कुछ अलग बेनिफिट देती है? मतलब जो हम लोग का डेक्स्टर है, डेक्स्टर ऑनर है, वो थोड़ा बहुत देता है कंपनी के लिए, कंपनी भी देता है, वो बात नहीं है, अलग से देता है कंपनी। कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उस हिसाब से कंपनी देखता है। थैंक यू भाई अपना टाइम देने के लिए, आप काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हो पा, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया तो काफी का हेल्प हो पाएगा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकाल के आने के लिए। थैंक यू। ठीक है, तो दोस्तों सुना आप लोगों ने कि डिलीवरी बॉय ने क्या कहा, तो और मुझे नहीं लगता कि मुझे अब ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत है। और आप लोगों को बता दूं, जिस डिलीवरी बॉय का मैंने जो इंटरव्यू लिया वो काफी एक्सपीरियंस डिलीवरी बॉय था, और हम दोनों एक साथ जोमेटो में एक टाइम काम करते थे, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। और फिर भी मुझे लगता है कि 1-2 पॉइंट और है जो आप लोगों को और भी अच्छी तरह से क्लियर अगर समझ में आ जाए तो बेटर होगा। दोस्तों आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि भाई मेरे पास लाइसेंस नहीं है, लर्नर लाइसेंस, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मेरी ज्वाइनिंग होगी? तो दोस्तों जैसे कि डिलीवरी बॉय ने भी कहा कि इसमें आप लोगों के पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, लर्नर लाइसेंस से अप्लाई आप लोग नहीं कर सकते, तो आपके पास लाइसेंस मस्ट होना चाहिए यदि आप लोग बाइक से काम करना चाहते हैं। तो
उसके बाद बात कर लेते दोस्तों की डिस्टेंस। तो जैसे कि डिलीवरी बॉय ने कहा कि इसमें मैक्सिमम 40-45 किलोमीटर आपको बाइक चलाना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपये पेट्रोल में आराम से हो जाता है। और आपको पर डे 30-50 ऑर्डर मिलता है, यानी कि एवरेज में 40 ऑर्डर, और पर ऑर्डर का आपको 14 रुपये या 15 रुपये मिलता है। सबको अलग अलग थोड़ा बहुत रहता है, और पेट्रोल का 2-3 रुपये मिलता है। और कस्टमर यदि आप लोगों को फीडबैक दिए यानी कि रेटिंग, तो 1 रुपये पर फीडबैक के मिलता है। तो यदि मैं 15 रुपये पर ऑर्डर पकड़ लूँ और 40 ऑर्डर अगर पकड़ लेता हूँ 15 रुपये के, तो यानी कि 600 रुपये पर डे आप लोग इजीली कमा सकते हैं। और महीने के 18,000 से 20,000 रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपको इजीली आप लोग कमा सकते हैं। और उसको आप दोस्तों बात करते हैं पेमेंट की, दोस्तों इसमें पेमेंट आपको महीने में 3 बार देखने को मिल जाती है। जी दोस्तों, इसमें आप लोगों को 1 से लेकर 10 तारीख तक जो काम करेंगे 17 तारीख को मिलता है, फिर 11 से 20 तारीख तक जो काम करेंगे आपको 27 तारीख को मिलता है, और 21 से लेकर 30 तारीख तक जो काम करेंगे आपको 7 तारीख को पेमेंट मिल जाता है। तो इसमें भी पेमेंट काफ़ी अच्छी है, महीने में 3 बार मिल जाती है। और कुछ बताने को है नहीं दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन बस यहीं तक रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों, अच्छा लगा, तो एक लाइक जरूर कर देना। एम करता हूँ 100 लाइक का, मुझे पता है आप लोग कर देंगे, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक जरूर कर देना वीडियो को। और दोस्तों यदि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं छोटा मोटा अपडेट देता रहता हूँ। और डायरेक्ट अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। और आपको लगता है दोस्तों मैंने अगर कुछ छोड़ दिया, या फिर कुछ क्वेश्चन जो मैं नहीं बताया, आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना दोस्तों, मैं रिप्लाई जरूर देंगे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।